हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, 10th क्लास फिजिक्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो आज हम उसका सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन से पहले हम इलेक्ट्रॉन का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की और किस तरह से हुई। स्टूडेंट्स, 1850 में साइंटिस्ट काम कर रहे थे इस पर कि क्या वैक्यूम से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं पास होती। इस पर्पस के लिए उन्होंने एक ग्लास ट्यूब को यूज किया, वैक्यूम ग्लास ट्यूब, जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड फिक्स थे, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जब इनको बैटरी से कनेक्ट किया गया तो ये बात ऑब्जर्व की गई कि कुछ खास किस्म की रेज निकली है इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो गई। इन रेस को कैथोड रेस का नाम दिया गया। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे कैथोड रेस की। कैथोड रेस क्या होती है? व्हेन द फिजिस्ट स्टार्टेड टू एग्जामिन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ वैक्यूम बाय पुटिंग द टू इलेक्ट्रोड्स इन अ सील्ड वैक्यूम ट्यूब, सम काइंड ऑफ रेस वर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड आर नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेस। ये आगे हमारे पास डेफिनेशन प्रॉपर कैथोड रेज की। अब कैथोड रेज आने के बाद जे थॉमसन ने इसको फर्दर एग्जामिन करना स्टार्ट कर दिया, इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। उसने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया, मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया और उसके बाद कहा कि ये खास किस्म के पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। उसको ये बात कैसे पता चली? उसने इलेक्ट्रिक फील्ड से इन रेज को पास कराया, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुकी है। जब ये रेज इसमें से पास की तो ये पॉजिटिव साइड की तरफ बेंड कर गई, जो इस चीज को इंडिकेट कर रही थी कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गई, इससे पता चला कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया और ये इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। ओके, अब हम बात कर लेते हैं थर्मियोनिक एमिशन की। थर्मियोनिक एमिशन क्या है? थर्मियोनिक एमिशन दो लफ्जों से मिलकर बना है, थर्मियोनिक प्लस एमिशन। थर्मियोनिक निकला है थर्म से, थर्म का मतलब होता है हीट, थर्मियोनिक का मतलब हीट की वजह से, और एमिशन का मतलब होता है निकलना। तो मतलब हुआ कि किसी हॉट मेटल सरफेस से या किसी मेटल सरफेस से हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना यह थर्मियोनिक एमिशन कहलाता है। हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना किसी मेटल की सरफेस से, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हॉट मेटल सर्फेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। डियर स्टूडेंट्स, मेटल्स के पास बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस के साथ बहुत वीक फोर्स के साथ अटैच होते हैं। रूम टेम्परेचर के ऊपर ये आसानी से एटम को छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो ये न्यूक्लियस इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, तो इस तरह इसके साथ ये बाउंड होते हैं, बाहर नहीं जा सकते। जब हम इनको एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं और इसको एटम को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। जैसे इसको एनर्जी मिली इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको छोड़ देगा एटम को और फ्री हो जाएगा, सरफेस से निकल जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। ऐसे ही अगर एक मेटल सरफेस है हमारे पास, तो क्योंकि मेटल्स के पास बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम उसको हीट देंगे तो उसकी सरफेस में से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, एमिट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। हम थर्मियोनिक एमिशन किस तरह से कर सकते हैं? आप एक टंगस्टन का फिलामेंट ले लें, उसको आप दो चीजें याद रखें, 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज दे दें और 0.3 एम्पीयर का करंट उसमें से पास करें, तो वो भी थर्मियोनिक एमिशन का प्रोसेस परफॉर्म करेगा। तो आप देखेंगे, ये हमारे पास इसकी एक पिक्चर है, ये टंगस्टन का फिलामेंट है, टंगस्टन एक मेटल का नेम है।
अक्सर आपने देखा होगा टंगस्टन फिलामेंट बल्ब के अंदर भी एक फिलामेंट यूज होता है जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो फिलामेंट होता है। तो टंगस्टन फिलामेंट को जब 6 वोल्ट की बैटरी से आप कनेक्ट कर देंगे उसमें से 0.3 एम्पीयर करंट पास करेगा तो वो भी थर्मोनिक इमिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे उसकी सरफेस में से। ओके, तो ये था हमारा प्रोसेस, बहुत सिंपल सा टॉपिक थर्मोनिक इमिशन का, जिसके अंदर हमने ये सीखा कि जब कोई मेटल सरफेस को हीट दी जाती है तो उसके अंदर मौजूद जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो उस सरफेस को छोड़कर बाहर आ जाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन।